हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत 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 ज़्यादा अच्छी हूँ। और आप लोग की कृपा से मैं बहुत अच्छी हूँ और इस समय मेरा माइंड भी बहुत अच्छा रहता है। ये सब आप लोग की वजह से हुआ है, क्योंकि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बन रही है मॉर्निंग वाली चाय और उसके बाद ये देखिए मैं आ गई हूँ अपना कपड़ा धुलने। तो यहाँ पर मॉर्निंग वाला ना सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया है, झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है, नाश्ता भी हो चुका है, पति देव भी जा चुके हैं और यहाँ पर मैं धुल रही हूँ कपड़े। तो थोड़े से कपड़े थे तो मैंने सोचा इनको धुल लेते हैं और बस वही वाला काम मेरा हो रहा है। तो प्लीज़ ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा फ्रेंड। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी ना तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में लिखना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है पढ़कर, और मैं उनको एक कॉपी में नोट कर रही हूँ। तो 100% मैं एक वीडियो ऐसी बनाऊँगी जिसमें आप लोगों के प्यारे प्यारे से कमेंट्स रहेंगे। तो प्लीज़ इसलिए अच्छे अच्छे से कमेंट्स करिए और वीडियो फुल वॉच करिए और मुझे आइडिया दीजिए मैं कैसा ब्लॉग बनाऊं। तो चलिए फिर, बहुत सारी बातें हो गई और अब आते हैं काम पर। तो यहाँ पर मैंने सोचा मॉर्निंग से शुरू होता है तो मेरा काम का ही आप लोग देख पाते हैं ब्लॉग और उसी में बहुत लंबा हो जाता है। तो मैंने सोचा सारा काम ख़त्म करने के बाद जो है मैं ब्लॉग बनाऊंगी। लेकिन जब मेरा बच्चा सोता रहता है ना तो एक जो होता नहीं मन में लालच सी हो जाती है, नहीं मुझे कर लेना चाहिए फिर बाद में टाइम मिले ना मिले। तो वैसे ही मेरे साथ भी होता है, जब वो सोता रहता है ना तो मैं ये सोचती हूँ कितना ज़्यादा मैं काम कर लूँ, कितनी ज़्यादा मैं वीडियो बना लूँ, क्योंकि फिर पता नहीं टाइम मिले ना मिले। तो मेरे साथ तो यही होता है, एक लालच मन में बैठ जाता है वीडियो को लेकर। तो सच में मैं बहुत लालची हो गई हूँ। ऐसा नहीं है, देखिए आपको ना थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना और थोड़ा सा मेरा टाइम भी बहुत अच्छे से निकल जाता है, फालतू के दुनिया भर के बकवास जो है ना माइंड में नहीं आते हैं। नहीं तो अगर फ्री बैठे रहो ना तो बेमतलब का आप सोचो, दूसरों के बारे में भी सोचो, जो आपके बारे में नहीं सोचते उनके बारे में भी माइंड चला जाता है। तो ऐसा करने से ना, ये सब वीडियो वगैरह बनाने से, काम वगैरह करने से मैं इसी में बिजी रहती हूँ, ना मुझे किसी से लेना ना देना, बस अपने में मस्त रहती हूँ। तो इसीलिए एक मेरा मेन कारण ये भी है कि मैं इसलिए वीडियो बनाती हूँ। तो बस मैंने बता दिया आप लोग को। बहुत सारे क्वेश्चन बहुत दूर से आ रहे थे कि आप जो है यूट्यूब पर किस लिए आई हैं, तो एक पहला कारण ये है और सेकंड मैं भी कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में, अपने पति की हेल्प करना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, मेरे बच्चे के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो मैं सोचती हूँ ना मैं भी थोड़ी सी उनकी हेल्प कर पाऊँ कुछ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। वैसे वो कुछ कहते नहीं हैं, उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम काम करो या कुछ करो, कभी भी नहीं कहा। लेकिन अपना अपना जो वो होता है ना, मैं देखती हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है और मैं सोचती हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए इनके लिए, मुझे इनको सपोर्ट करना चाहिए, ये मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा भी नहीं कर सकती। बस इसीलिए जो है मैं ये सब करती हूँ फ्रेंड्स, और प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश करिए। मैं बता नहीं सकती जो है ना कि सॉरी मैं कह नहीं पा रही हूँ शब्दों में। जब आप लोग से अच्छे से घुल मिल जाऊँगी तो 100% बताऊँगी अपनी फीलिंग, अभी मैं नहीं बता पा रही हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, देखिए मॉर्निंग वाला मेरा काम ख़त्म हो चुका है और अभी देखिए मैं कर रही हूँ अपना थोड़ा सा बाल वगैरह सही कर रही हूँ, क्योंकि नहा के मैं आ चुकी हूँ और मैं बहुत देर बाद मिल रही हूँ, क्योंकि जब मैं नहाने गई थी तो मेरा बेटा भी उठा था, उसकी मैंने मालिश वगैरह की, उसको धूप दिखाए और सारा काम ख़त्म कर लिया, तो फिर मैं मिल रही हूँ आप लोगों से। तो मैंने सोचा थोड़ा सा तो तैयार होना बनता है, सुबह ऐसे ही आ जाती हूँ पागलों की तरीके। तो चलो कोई बात नहीं, अभी मैं मिलती हूँ आप लोग की थोड़ी देर में, पहले ये सब काम कर लूँ। तो बस यहाँ पर देखिए मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ और कैसी लग रही हूँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बहुत अच्छे से तो नहीं तैयार हुई हूँ, ये देखिए जैसे मैं रोज़ होती हूँ ना वैसे ही हो चुकी हूँ तैयार,
तो प्लीज़ 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 ब्लॉग में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा फ्रेंड्स। और पता है एक मेन चीज़ बात, मैं अपना वज़न कम तो कर लेती हूँ लेकिन कुछ अच्छा बनता है ना तो मैं उसको खा खा के फिर से मोटी हो जाती हूँ। तो अब सोच रही हूँ कि अब मैं फिर से कोशिश करूँगी कि मेरा वज़न कम हो जाए। तो चलिए कोशिश जारी है, देखते हैं कब तक सफलता मिलती है। तो चलिए कोई बात नहीं है, ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में। तो मेरा सारा काम जो है ख़त्म हो चुका है मॉर्निंग वाला, और हालत देखिए मेरी कैसी हो गई है। तो मॉर्निंग का सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया है, अभी कोई भी काम नहीं है। नाश्ता वगैरह मेरा हो चुका है, बस कुछ खाएंगे थोड़ा सा और पानी पियेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। मॉर्निंग से कम 2 ग्लास तो मैंने पिया है, वो जो ग्लास है बड़ा वाला कम से कम 4 ग्लास के बराबर है, तो वही वाला ग्लास मैं पीती हूँ। उससे ना ख़त्म हो जाता है जल्दी जल्दी, ये होता है ना कि इसको मुझे ख़त्म करना है। 1 सेकेंड कैमरा सेट कर रही हूँ, तो उससे ना जो है ख़त्म कर ले जाती हूँ, और नहीं तो नहीं ख़त्म कर पाती हूँ। तो चलिए मैं रख दूँ, और वो ग्लास है ये, तो पहले मैं रख दूँ पानी पीने के लिए, उसके बाद कुछ मीठा खाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लग चुकी है मुझे। 1 सेकेंड, और इस टाइम फ्रिज में मिठाई की दुकान आ गई है, मिष्ठान भंडार क्या कहते हैं पता नहीं, याद रही है हमें। तो बस वही मुझे खाना है मिठाई, और फर्स्ट है ये प्रसाद माता जी का, ये देखिए, और सेकेंड है ये और लास्ट है ये। तो बस जिस दिन पतिदेव का मूड घूम जाता है वो पूरी दुकान उठा लाते हैं, वैसे वो लाते रहते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि वो नहीं लाते हैं, लाते रहते हैं। तो उनका ये सब खाने का मन था वो उठा रहे। तो चलिए फिर मैं इस ब्लॉग का भी एंड करूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए हूँ, थक गई हूँ, और अब मैं सोना चाहती हूँ, सोने जा रही हूँ। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का जो है एंड करती हूँ। यही थी मेरी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है ये भी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फिर बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। और मैंने कल शायद आज ही एक वीडियो शायद आज या कल मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने अपलोड की है, देखूंगी फिर बताऊंगी। तो मेरा कैमरा ना थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, पता नहीं कैसे हो चुका है, तो वो मुझे सही करवाना है, और शायद इसीलिए सही नहीं आ रहा है फोटो, मतलब वीडियो सही नहीं आ रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, जब सही होगा देखा जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू। मैं मिली थी आप लोगों से दोपहर में, और उसके बाद अब मैं मिल रही हूँ सो के, मैं उठ चुकी हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। पतिदेव आ चुके हैं तो मैं उनके लिए बनाने जा रही हूँ थोड़ी सी चाय, तो मैंने सोचा थोड़ा सा कैमरा भी ऑन कर लेते हैं, इससे जो है मेरे वीडियो का एंड भी हो जाएगा क्योंकि मैंने भी वीडियो का एंड नहीं किया है। तो मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पर चाय, और चलिए फ्रेंड्स फिर इस चाय बना लेती हूँ और इस वीडियो को एंड भी करती हूँ। तो ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा ना तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आप लोग के कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और मैं रिप्लाई भी करती हूँ। तो प्लीज़ 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 अच्छे अच्छे आइडियाज़ दीजिए मुझे ब्लॉग बनाने का, और जैसे आप लोग प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं प्लीज़ ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, बहुत ज़रूरत है आपके प्यार और सपोर्ट की फ्रेंड्स, बहुत 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 ज़रूरत है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। प्लीज़ ब्लॉग का इंतज़ार करते रहिएगा।